सो जैसे आप देख सकते हो। रात को मैं इधर पहुंच गया था मांडी से 20-30 किलोमीटर पहले। पुलिस वालों ने रोक दिया और फिर पूरी रात यहीं स्टे करना पड़ा। अभी सारा ट्रैफिक जाम है, मोस्ट प्रोबेबली देखो 2 बजे तक 2 घंटे में और खोल दें तो सबसे पहले बाइक वालों को ही छोड़ेंगे। मैं जा रहा हूँ ऊपर बाइक लेने, जिस ढाबे पे खड़ी करी थी, और फिर निकलते हैं। गाइस जैसे आप देख सकते हो कितना लैंडस्लाइड हो रहा था यहाँ पे, और फाइनली 6:30 बजे इन लोगों ने हमें निकाल दिया बाहर। लेट्स सी आगे क्या क्या होता है। जैसे आप देख सकते हो ये राजपुर ट्रक के ऊपर सबसे हाय गाइस, बहुत ही ज़्यादा लैंडस्लाइड हुआ मांडी में और मनाली में। रात भर बारिश हुई तो फिर कुछ 11:30 के आसपास मैं फिर वहीं रुक गया एक ढाबे पे, बिकॉज फिर पुलिस वाले आगे जाने नहीं दे रहे थे। तो वो तो अपने वीडियोस में देख ही लिया होगा कितना ज़्यादा लैंडस्लाइड हुआ। अब यहाँ वेदर अब ठीक है और यहाँ से अब रास्ता भी सारा नॉर्मल है, तो मैंने कहा एक बार अपडेट दे दूँ। और 9:30 हो गए हैं और मैंने थोड़ा ब्रेकफास्ट भी किया, तो अब निकल रहा हूँ आगे। कुछ इंटरेस्टिंग होता है तो आपको शो करता हूँ, क्योंकि वैसे तो अब ये हाईवे वाला ही रूट है। तो मिलता हूँ आपको थोड़ी देर में आगे। सो गाइस, अबाउट टू रीच होम और 6:30 हो रहे हैं, और उसके बाद कुछ इतना इंटरेस्टिंग हुआ नहीं और हाईवे दिखाने का कोई फ़ायदा नहीं था। तो अब इस ट्रिप को हम लोग करते हैं यहीं ख़त्म और मिलते हैं नई वीडियो के साथ जल्दी है आपको। टिल देन राइड सेफ, टेक केयर, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना अपना फेवरेट पार्ट, और सब्सक्राइब भी कर देना। तो मिलते हैं टिल नेक्स्ट टाइम, स्टे सेफ एंड एंजॉय योर लाइफ।